पाकिस्तान ने अब न्यूजीलैंड का टूर कर ला है, जिसके लिए कोबी चीफ सेलेक्टर बिस्मिल्लाह के लिए आखिरी बार पाकिस्तान के T20 और टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 35 खिलाड़ियों का ऐलान किया है जो T20 स्क्वाड में भी शामिल है और टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट और T20 स्क्वाड में शामिल ओपनिंग बैट्समैन में आबिद अली, फखर जमान, इमामुल हक, शान मसूद, शान मलिक और अब्दुल्ला शफीक शामिल है। यहाँ पर कामर अकमल का नाम देखने को नहीं मिल रहा, जो हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत सैड बात है। अगर हम इस बात को लाइक करते हैं तो फिर वीडियो को भी लाइक करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिडिल ऑर्डर में अजहर अली, फवाद आलम, हैदर अली, हारिस तुहिल, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, खुशदीन शाह, मोहम्मद हफीज, दानिश अजीज, बाबर आजम कप्तान होंगे और इमरान भट्ट। मिडिल ऑर्डर में टोटल 11 खिलाड़ी शामिल है, जिनमें से शोएब मलिक और अख्तर शफीक नाम मिस है। शोएब मलिक के ना होने के पर हमें बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि शोएब मलिक को किसके कहने के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया, शोएब मलिक को क्यों ड्रॉप किया। रीजन यही हो सकती है कि मिसबाह आखिरी बार पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं, फिर इसके बाद वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। तो फिर इनके ऊपर काफी तनकीद की जा रही थी कि अब सीनियर्स को शामिल करते हैं, बाबो को टीम से बाहर नहीं निकालते, रमीज अर्जा सरे फ्रेश थे, तो इसी बिला के ऊपर दबाव भी आते हुए शोएब को ड्रॉप कर दिया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया। अख्तर शफीक को ड्रॉप करना डोमेस्टिक में भेजना अच्छी बात है, क्योंकि अख्तर शफीक जितना पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं, फॉर्म भी अच्छी नहीं है, डोमेस्टिक में जाए रन करें, अगर टीम को जरूरत होगी तो दोबारा शामिल कर लिया जाएगा। फखर जमान की बात करना भूल गया, फखर जमान को भी शामिल किया गया है, जो एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि फखर इतने बुरे से फ्लॉप हुए फिर भी शामिल कर लिया गया। ये बात याद रखिए, फखर पाकिस्तान का हीरो है, इसे फखरे पाकिस्तान कहते थे, तो फिर थोड़ी सी बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप तो नहीं किया जा सकता ना। विकेट कीपर्स को देखते हैं तो सरफराज की वापसी हुई है, मोहम्मद इजवाल शामिल है, सरफराज अहमद शामिल है, रोहेल अदीर शामिल है। स्पिन बॉलर्स में बाद वसीम, शादाब खान, जफर गोहर, उस्मान कादिर, यासिर शाह शामिल है। जाहिद महमूद का लाभ नहीं आ रहा, जाहिद महमूद का लाहौला पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जाहिद महमूद ने 4-day क्रिकेट में परफॉर्म किया, जो बल्ला 4-day क्रिकेट परफॉर्म करे उसे टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए नहीं, अब T20 वाले को टेस्ट खिला दो। फास्ट बॉलर्स में फहीम अशरफ, इबाद बट, हारिस राउफ, मोहम्मद इस्लाम, मूसा खान, नसीम शाह, शहील शाह, अफरीदी, सुहेल खान, वहाब रियाज और मोहम्मद अब्बास शामिल है। मोहम्मद आबिर का नाम हिस्सा है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, मोहम्मद आबिर पाकिस्तान का अभी भी बेहतरीन बॉलर है, T20 में रन को कल्टीवेट कर सकता है। आमिर को ड्रॉप करना मिसबाह का दबाव में आने की वजह से हुआ। आपकी स्क्वाड के बारे में क्या राय है, अपना हिस्सा डाल दीजिएगा।